जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन योर जीके क्लास. स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू टेक अ रिवीजन ऑफ पेज नंबर 65, चैप्टर लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा. यस स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लेजेंड्स? एनी गेसेस? यस, लेजेंड्स मीन्स फेमस पीपल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1. विच एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ ट्रेजेडी एंड हिज बर्थ नेम इज यूसुफ खान? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर इज दिलीप कुमार. यस, ही इज लेजेंडरी एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा, इज फॉन्डली नोन एज द किंग ऑफ ट्रेजेडी. हिज बर्थ नेम इज यूसुफ खान. He has won a record of 8 Filmfare Best Actor Award and received the Dada Saheb Phalke Award in 1995. Okay, now question number 2. Who was an Indian film writer, director and won an honorary Oscar for Lifetime Achievement in 1992? Any guesses? No. Yes. Answer is Satyajit Ray. I am talking about Satyajit Ray. He was a Bengali writer and director. He is considered to have been one of the greatest filmmaker of all time. All time National Filmfare Award. So answer is Satyajit Ray. Now, question number 3. Whose best known works are Ilipathayan, Mathilukkal and Nizhal Kuthu has won the 5 National Film Award? Yes. Answer is Adur Gopalakrishnan. He is one of the leading figures of the new Indian cinema movement of issue-based filmmaking of the 70s. His work is very, his work is best. Okay. And he has also won Dada Saheb Phalke Award in 2004. So answer is Adur Gopalakrishnan. Now, question number 4. Who has won 4 national awards for best actor honored with the Padam Shri, Padam Bhushan and Padam Vibhushan for his contribution to Indian cinema? Yes, he is Amitabh Bachchan. We are talking about Amitabh Bachchan. He has won 4 national awards for best actor and most by any actor. He has been honored with the Padam Shri, Padam Bhushan and Padam Vibhushan for his contribution to Indian cinema. In 2019, he won the Dada Saheb Phalke Award. Okay, now question number 5. Which famous Chinese mobile game application was banned in India by the Ministry of Information and Technology? कौन सी ministry ने कौन सी information technology का जो एक Chinese mobile game था वो ban किया था? Yes, answer is PUBG. Now question number 2, matching. You have to match these A column with column B. First, legend means, student, I have told you earlier also and in the starting of this chapter I have told you the meaning of legends. Yes, legend means famous people. Now, second, 19 Filmfare Award. 19 Filmfare Award kisko mila tha? Yes, answer is Kamal Hassan. Third, Dada Saheb Phalke Award
इन 1995 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? क्योंकि मिला तो और लोगों को भी था, लेकिन सबके ईयर्स अलग होते हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1995, ये इसमें स्पेशल एक इम्पॉर्टेंट चीज है। 1995, यस, किनको मिला था? दिलीप कुमार। फोर्थ, मल्टी बैरन रॉकेट, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर। यस, मल्टी बैरन जो रॉकेट है वो कौन सा है? आंसर इज पिनाका। नाउ फिफ्थ, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर इज द फुल फॉर्म ऑफ, यस, आंसर इज बी, वीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अमिताभ बच्चन हैज वॉन 9 नेशनल अवार्ड्स। इन दिस चैप्टर यू हैव रीड सो मैनी टाइम्स ना अबाउट द अमिताभ बच्चन, सो वट इज द आंसर? एनी गेसेस? यस, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि उनको 9 नहीं, उनको कितने मिले थे? उनको कम मिले थे, 9 नहीं मिले थे, तो इसलिए दिस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, सत्यजीत रे इज नोन एज द किंग ऑफ ट्रेजरी। नो, किंग ऑफ ट्रेजरी किसको कहा जाता है? दिलीप कुमार जी को, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिसेंटली लॉन्च नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिसेंटली लॉन्च नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, इन्होंने ही किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑर्डर ऑर्डर इज द कमांड ऑफ जज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। ऑर्डर ऑर्डर कौन बोलता है? जज बोलता है? यस, इट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ, प्लीज टर्न ओवर इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। यस, इट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज रिलेटेड टू एब्रीवेशंस। आई हैव गिवन यू अर्लियर ऑल्सो, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट, GAIL, गेल, गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकेंड, RTO, RTO मीन्स रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। GST, फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज SAC, 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 सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट शॉर्ट नोट ऑन ए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू एट द पॉइंट्स, मींस हाउ वी कैन राइट अ रिपोर्ट। आई एम गोइंग टू गिविंग नाउ गिविंग यू अ हिंट। यस, द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट आर इंट्रोडक्शन, पर्पस एंड स्कोप, लिमिटेशंस, बैकग्राउंड, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, बॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड लास्ट अपेंडिक्स। मीन्स कौन कौन, जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं तो हम कौन कौन से पॉइंट्स को हम मेंशन करते हैं। सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट इन योर GK कॉपी एंड यू हैव टू मेक द PDF ऑफ दिस वर्कशीट। स्टूडेंट, दिस इज द पैटर्न विच यू हैव टू फॉलो। ओके स्टूडेंट्स, योर PT2 एग्जाम्स विल बी हेल्ड एज द सेम पैटर्न, सो प्रिपेयर योर सेल्फ
according to it. That's all for today. Have a nice day.